सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए स्वास्थ्य विभाग की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं, जिसके तहत यहाँ पर नर्स, स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट वार्डन, असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के खाली पदों को भरने के लिए बम्पर भर्ती होने जा रही है। ऑल इंडिया के वैकेंसीज हैं, आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन करने की 11 मार्च 2022 है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। पोस्ट के नाम है नर्स, स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट वार्डन, असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ होंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, या फिर उनके पास GNM का डिप्लोमा या फिर BSc की डिग्री नर्सिंग के अंदर या फिर कोई अन्य डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा आपकी 27 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी आपको Level 2 से 4 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी पोस्ट वाइज। फीस यहां पर जनरल OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स को 590 रुपये जमा करानी होगी। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई फीस जमा नहीं करानी है। ये फीस का अमाउंट आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, कॉम्पिटेंसी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है NIFT.ac.in। जॉब लोकेशन कोलकाता है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 11 मार्च 2022 है। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको भरकर लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर देना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट में 1x1 करके प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हो। पूरी डिटेल यहाँ से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना पूरी डिटेल्स एक्यूरेट वे में फिलअप करनी है और फाइनली अपने सिग्नेचर करने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट से पहले पहले ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।